हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो टारगेट बैच में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जो टारगेट बैच हमने स्टार्ट किया है, आज उसका 13वां दिन है। और 13वें दिन आज आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज तैयार करनी है, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो आपका प्यार जो कम होता जा रहा है ना, उसको बढ़ाइए। ये आपके भले के लिए है। आप अगर अब जाग गए तो आपका जो सपना है रेलवे में जाने का, वो पूरा हो जाएगा। मैं वही चीज करा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। आप बस इतना कीजिए जितना मैं करा रहा हूं। दोस्तों, आप बस मन से इतना करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं हर वो इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूँ, वो एग्जाम में जो पूछी जाती है, सब कुछ करा रहा हूँ। बस आपको मेरा साथ देना है और यही चीज फॉलो करनी है। आपको कुछ भी ना एक्स्ट्रा किताब खरीदनी है, कुछ भी नहीं करना। आपको बस आप मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपको पूरा करा दूंगा। मैं ज्यादा नहीं चाहता हूं, आपको बस जो वीडियो देखते हैं पूरा वीडियो देखा करिए। स्किप मत किया कीजिए वीडियो को, पूरा वीडियो देखिए और लाइक कीजिए और उस वीडियो पर कमेंट कीजिए। बस इतना कीजिए आप, बाद बाकी आपको और कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ाई करनी है। तो देखिए, जो 13वां दिन है, 13वां दिन आज आपको क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे। तो मैथ में कल आपने जो एवरेज यानी कि औसत टॉपिक है, चैप्टर है मैथ में, ये वाला कल आपने पढ़ा था। जब आपने पढ़ा था, अगर मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो आप भूल जाओगे कि हमने यहां पढ़ा था। तो आज उसका आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कम से कम आपको एवरेज के आज 40 से 50 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 40 से 50 क्वेश्चन करने हैं। हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं, मिक्स करने हैं। इतने क्वेश्चन तो आपको एवरेज के करने ही करने हैं आज। जो आपकी समझ में नहीं आएगा ना, उसको टिक कर लेना, स्टार बना लेना कि ये वाला क्वेश्चन भी मुझे बाद में दे आने की। जब पूरा टॉपिक 40-50 क्वेश्चन कर लूंगा, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन देखने हैं मुझे दोबारा से, और यूट्यूब पे भी देखना है कि इसका आखिरकार ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और एवरेज का अगर आपकी समझ में नहीं आता ना कि एवरेज कैसा, तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं। वीडियो पड़ी हुई है एवरेज की, बहुत अच्छे से टाइप वाइज कराया है मैंने, वहां जाकर के देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो मैथ पढ़ना चाहते हैं ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ वाले चैनल का जंग फॉर मैथ का लिंक है, वहां जाकर सब्सक्राइब कर लो। वहां वीडियो आपको फुल मैथ कराने वाला हूं, फुल मैथ होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए, आपको जो टॉपिक पढ़ना है, ऑर्डर रैंकिंग यानी कि क्रम निर्धारण। इस रीजनिंग का ये टॉपिक ना बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। किसी में एक माइनस करेंगे, किसी में जोड़ देंगे, एक दो फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वो भी याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हो। और मैं भी इसका एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जंग फॉर मैथ पर, वो सब्सक्राइब कर लो, उस पर वीडियो लेके आ जाऊंगा, सारे रीजनिंग के सब टॉपिक करा दूंगा मैं उस चैनल पर। बस आपका प्यार देख रहा हूं मैं, आप कितना अगर ज्यादा प्यार करोगे ना, तो सब कुछ मैं ही करा दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला टॉपिक आज आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद बात करेंगे जनरल साइंस, यानी जो जनरल साइंस में हम 9th के एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं पहले ना, तो उस एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 11 है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। तो समझिए, साइंस अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चल रही है, क्योंकि साइंस के अगर आपने ये वाले टॉपिक करनी है ना, तो साइंस से आपको डर नहीं लगेगा। देखिए, कार्य तथा ऊर्जा यानी कि वर्क पावर एंड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है। देखिए, कार्य का यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। इस फॉर्मूला न्यूमेरिकल भी होते हैं, लास्ट में मैंने 8, 9, 10, 11 तक जो चैप्टर कराए ना, इनसे ही न्यूमेरिकल आते हैं और कहीं से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। आप कहते हैं ना सर न्यूमेरिकल, ये टॉपिक कंप्लीट कर लो, न्यूमेरिकल का भी डर खत्म हो जाएगा। और देखिए, इसमें यही चीज है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आपको फॉर्मूले करने हैं आपको, यानी कि ये देख लो, ये वाले फॉर्मूले, ये वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। और देखिए, एक फॉर्मूला होता है की बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, वस्तु का वेग प्रारंभिक गति ऊर्जा, ये सब कुछ तो करना है आपको, बस इतना करना है ये वाले टॉपिक में, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से न्यूमेरिकल आएगा, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से जो आएगा आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस वाले चैप्टर से। और पिछड़ा वाला, विस्थापन वाला और गुरुत्वाकर्षण वाला है ना,
इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल बस यही टॉपिक है, यहां से न्यूमेरिकल आते हैं और तो कुछ है ना, ये तीन चार टॉपिक पढ़ने हो आपको अच्छे से। इसके बाद बात करेंगे जीके में, तो जीके में हमने देखिए संविधान अच्छे से कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, और बाद में और रिवीजन करा दूंगा, टेंशन मत लो सब करा दूंगा। तो आज हम भूगोल जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जियोग्राफी में भारत की स्थिति जाननी है आपको, यानी कि भारत की क्या स्थिति है, क्या विस्तार है, यानी कि इंडिया पोजिशन एंड एक्सटेंट। तो ये चीज आपको ये वाला टॉपिक है ना, स्टार्ट में कोई भी बुक ले लो, स्टार्ट में सबसे पहले भारत की स्थिति दे दी जाएगी, ये ग्लोब बना हुआ है, कहाँ स्थिति है, कहाँ भारत है, तो ये सारी चीज यानी कि सब कुछ भारत के जो विस्तार है ना, पूरा विस्तार आप अच्छे से समझ सकते हो, मोटा मोटा पढ़ लेना, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें कि इसके अंदर ही प्रवेश कर जाओ, बस मोटे मोटे तौर पर पढ़ते चले जाना, क्योंकि जीके हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद पढ़ेंगे करंट अफेयर, करंट अफेयर हम देखिए, आपने कल कैबिनेट मंत्री याद किए होंगे, और कैबिनेट मंत्री 50-60 हैं, 50-60 हैं तो ऐसे नाम जो हमें कंफ्यूजन में डाल देते हैं, यानी कि इतनी आसानी से याद नहीं होते हैं, उनका रिवीजन करना है। और याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे याद करने हैं, अपने दोस्तों के भाई बहन कोई भी नाम मिल जाए उसी से संबंध बना करके आपको याद करने हैं। और जब आज इसका रिवीजन कर लोगे ना आज, तो आपसे ये क्वेश्चन कभी भी पूछे जाए आप भूलोगे नहीं, और एक आध बार रिवीजन और मैं आपका बाद में करा दूंगा जब एग्जाम सर पर होगा, तो आप यहां से क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं, आपकी सारी चीज अच्छे से तैयार होती जा रही है, आप अगर ईमानदारी से कर रहे होंगे ना चीजों से आपके मॉक टेस्ट में नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे। तो देखिए 13वें दिन आज आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं, मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो थैंक यू, धन्यवाद।